क्या कहने जनाब जाकिर साहब, देखिए दावतनामा भी दे रहे थे शेर में, आप लोगों ने समझा नहीं कि दर हैदर पे आ जाओ, यहाँ क्या क्या नहीं मिलता। जो लोग किसी सबब, अगर किसी जरूरत के सबब में आए हैं तो बराए करम फरशे महफिल पर तशरीफ ले आए, वो नहीं भी आएंगे तो इंशाल्लाह महफिल चलती रहेगी, क्योंकि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, वहां हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। तो हम तो उनके मानने वाले, जहां क्वालिटी की बात की गई क्वांटिटी की बात नहीं की गई, अगर क्वालिटी की बात नहीं होती क्वांटिटी की तो बहुत लोग इंतजार में थे साहब मुझे दे दीजिए मैं आ जाऊं, नहीं चरा खुल करके 72 का सिलेक्शन किया गया, तो उतने माशाल्लाह से मौजूद है और इंशाल्लाह महफिल जिस तरह से शुरू हुई थी उसी तरह खिताब भी मंजिल में जाएगी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि जितने हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इतने ही लोग उमूमन महफिल में सुनते भी हैं। आइए जरा सा, मैं मुतरन्निम शायरों की फेहरिस्त है तो उसमें एक शायर मैं बैरूनी लगा दूं, हालांकि बैरूनी नहीं भी है मुकामी भी है, मैं साबित कर दूंगा इस बात को कि बहुत पहले अरसे तवील में हम लोगों का जिला बाराबंकी हुआ करता था रदौली का, सियासी भेंट में हम फैजाबाद तक तो गनीमत था, अब वो जो मकरू नाम लिख दिया गया है उस जिले में वो लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल गुजारिश गुजार हूं मैं शावेज सलामू से, वो आपकी बारगाह में पहली बार आए हैं और आपकी समातें ये साबित करेंगी और ये उनका हौसला बढ़ाएंगी कि इंशाल्लाह उनकी परवाज कहां तक होगी। बहुत ही अच्छे लबो लहजे के शायर हैं, उभरते हुए शायर हैं, आपकी दुआओं की जरूरत है। नारे हैदरी, नारे सलवार। आप सबको मिला जाते हैं बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो बेटे जी करेंगे। चार मिसरे महफिल के हवाले से समाज करवा हजरात कि जब सना करता हूँ महफिल में नबी के आल की, जब सना करता हूँ महफिल में नबी के आल की, बाखुदा मेराज हो जाती है खुद आमाल की। जब सना करता हूँ महफिल में नबी के आल की, बाखुदा मेराज हो जाती है खुद आमाल की, और आज की शब अपनी अपनी झोलियाँ फैला के हम, आज की शब अपनी अपनी झोलियाँ फैला के हम आए हैं खैरात लेने अस्करी के लाल की, आए हैं खैरात लेने अस्करी के लाल की, आए हैं खैरात लेने अस्करी के लाल की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल खुदा के हवाले से पेश सलवात फरमाए कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। शेर लिखेंगे हजरत के नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता, नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क
कि ये आल मोहम्मद है के पोशाक में जिनकी, 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 पेवंद तो मिल जाता है धब्बा नहीं नहीं जैसा जो बताते हैं नबी को, आप नहीं जैसा जो बताते हैं नबी को, आप नहीं जैसा जो बताते हैं नबी को, क्या आपके भी जिस्म का साया नहीं मिलता, कि हक फातिमा ज़हरा का अगर लोग न खाते, हक फातिमा ज़हरा का अगर लोग न खाते, हक फातिमा ज़हरा का अगर लोग न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता, के हक फातिमा ज़हरा का अगर लोग न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता, और जिस न जिस रोज से है नहर पे आबास का कब्जा, जिस रोज से है नहर पे आबास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं प्यासा, कर देना अली कब्जा गर अपने मकाम पर, कर देना अली कब्जा अगर अपने मकाम पर, हज करने को भैया तुम्हें काबा नहीं मिलता, हज करने को भैया तुम्हें काबा नहीं मिलता, हज करने को भैया तुम्हें काबा नहीं मिलता, हज करने को भैया तुम्हें काबा नहीं मिलता। ये सलाम पढ़े मौलाए कायनात के हवाले से कलाम पेश किया, मज़ा समात फरमाए, एक सलाम पढ़ते हैं। चौखट खोल, एक सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले, देख के यूं हैरान ज़माना
देख के यूं हैरान जमाने वाले हैं ये, कैसे जमीन पर लोग हैं जो जन्नत को चला Gracias.